नमस्कार दोस्तों, वाओ फाइव के इस चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन पीरियड बढ़ा दिया गया है, उस सब से हम लोगों की ज़िंदगी में परेशानियां भी आएंगी, लेकिन हमारी सलामती के लिए ये ज़रूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की फ़िलहाल तो कोई दवाई है नहीं, इससे सिर्फ बचाव है हमारा इम्यून सिस्टम। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हम कोरोना से क्या सारे वायरस से बच सकते हैं। तो हमें उसको बूस्ट करने के लिए क्या करना है, हमें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना होगा। और वो कैसे होगा, वैसे तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन फिलहाल ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी न्यूज़ चैनल पे आयुष मिनिस्ट्री के बारे में बताया था। तो उसी आयुष मिनिस्ट्री की कुछ एडवाइजरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अगर आपको इसकी फुल डिटेल चाहिए, आप इसके बारे में फुल जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। पहला है, नियमित रूप से गर्म पानी पिएं। सेकंड है, सुबह च्यवनप्राश का सेवन करें, और जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो शुगर फ्री ले सकते हैं। थर्ड है हमारा हल्दी का दूध भी आप ले सकते हैं। फोर्थ है, आप अपने खाने में जो आप खाना बनाते हैं उसमें आपको हल्दी, जीरा, लहसुन का यूज़ करना है, जो मोस्टली सब करते हैं। और फिफ्थ है, नियमित रूप से योगा करना। जैसा कि हम सभी को पता है कि लॉकडाउन का समय बहुत ही परेशानी वाला है, चुनौतियों से भरा हुआ है, तो मैं आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि घर पर रहें और स्वस्थ रहें, और इस परेशानी से घबराएं ना, हिम्मत रखें और एक दूसरे का साथ दें। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Thank you.